नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन ने मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवार के 5 जनों के सामूहिक हत्याकांड के मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर बांसवाड़ा अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष प्रकाश बामने ने बताया कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर क्षेत्र में गत दिनों आदिवासी परिवार में सामूहिक हत्याकांड हुआ, वहीं 47 दिनों के बाद शवों को बरामदगी हुई। एक ही परिवार के 5 सदस्य जिसमें 4 महिलाएं और एक बालक है, वहीं एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर खेत में 10 फीट गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इस घटना से परिवार को बड़ा आघात पहुंचा। इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस आरोपियों की उक्त घटना अंजाम देने पर फांसी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस घटना से आदिवासी समाज में बड़ा आक्रोश है और ऐसी घटनाएं समाज को आपराधिक मानसिकता को प्रोत्साहित करती हैं। वहीं यह घटना समाज को कलंकित करती है। दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन बांसवाड़ा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपा। उक्त घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी चलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उक्त ज्ञापन देते समय अरविंद दामोर, गुरमीत चरपोटा, कांतिलाल, लोकेश यादव, आसिफ खान, विकास कटारा आदि मौजूद रहे। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति जिला शाखा बांसवाड़ा के तत्वाधन में जो नेमावर में जो हत्याएं हुई है, हत्या को लेकर के जो हत्यारे हैं जल्द जल्द उनको गिरफ्तार करें और उनको फांसी की सजा दे, नहीं तो बांसवाड़ा जिले भर में आंदोलन किया जाएगा एसटीएससी और एनएसआई के गठबंधन के तत्वाधन में। आपका नाम? मेरा नाम जिला अध्यक्ष प्रकाश बामनिया, एसटीएससी छात्र संघ बांसवाड़ा।